सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कर दोस्तों, मेरा नाम है महेश, आप देख रहे हैं महेश टेक्निकल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे कीवर्ड रिसर्च टूल जिनका यूज करके आप बहुत ही आराम से लो कंपटीशन कीवर्ड निकाल सकते हो और अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो गूगल में और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइज, अगर आपको नहीं पता कीवर्ड रिसर्च टूल क्या है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा क्या है और इसे कैसे आपको यूज करना चाहिए और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए गाइज, देख लेते हैं कि 8 ऐसे कौन से कीवर्ड रिसर्च टूल है जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए और आप इन्हें यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट को ग्रो करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आर्टिकल लिख के रख दिया है आपके लिए, तो यहाँ पर आप आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। सभी कीवर्ड रिसर्च टूल की जो है वो लिंक्स है वो यहाँ पर मैंने वेबसाइट में मेंशन कर दिए हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। तो मैं यहाँ पर वन बाय वन बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा टाइटल जो है वो 8 बेस्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स फॉर SEO। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है आपके वेबसाइट के लिए। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, वहां पर आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं और आप विदाउट कीवर्ड रिसर्च के आर्टिकल पोस्ट करते हैं, तो आप 100 आर्टिकल लिखिए, 200 आर्टिकल लिखिए, कितने भी आर्टिकल लिखिए, आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं होगी और आपके वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आएगी अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल्स। लेकिन अगर आप कीवर्ड रिसर्च पर काम करेंगे और कीवर्ड रिसर्च करके उन्हीं कीवर्ड पर पोस्ट लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे जिनका कंपटीशन लो है या फिर उनकी CPC और सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा और आपके वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस हैं और जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो आप गूगल एडसेंस से ज़्यादा अर्निंग भी कर पाएंगे। तो यही एक बेसिक सा रूल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो मैंने आपको बता दिया कि इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप कीवर्ड रिसर्च पर काम करेंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा तो अर्निंग ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है हम वेबसाइट इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अर्निंग करनी होती है। ठीक है गाइस, तो अगर आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए भी ट्रिक बताई थी, तो वो भी वीडियो काफ़ी अच्छी है, आपको देख लेनी चाहिए एक बार। अगर आपका गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा है, आप बहुत चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, तो मेरी ये वीडियो आपको एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 जो है वो ट्रिक्स बताई हैं गूगल एडसेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसमें मैंने मेरी पर्सनल ट्रिक बताई है कि कैसे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, वो भी 1 मंथ के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं कोई 2 दिन या 3 दिन में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 1 मंथ के अंदर आपको अच्छे से यहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ये वीडियो आप अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे भी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के ही ऐड हैं, तो मैंने उसी ट्रिक को यूज़ करके एडसेंस का अप्रूवल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गूगल एड्स कीवर्ड रिसर्च टूल क्या है वो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और मैंने शॉर्ट में आपको बता भी दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट की। तो यहाँ पर आपको सारे कीवर्ड रिसर्च टूल मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपको यूज़ करना है और किस में आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल निकल कर आता है वो है ऊबर सजेस्ट। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर ले जाऊँगा और कैसे उसे यूज़ करना है वो डायरेक्टली बता दूंगा, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसे सेकेंड टैब में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड डालने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड रैंडम डाल देता हूँ, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ कीवर्ड रिसर्च टूल। तो चलिए हमारा जिस जो वीडियो है वही हम डाल देते हैं और यहाँ पर आप कंट्री चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कंट्री चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे US का ही ट्रैफिक चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सर्च करता हूँ। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि हम कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कीवर्ड कैसे निकालते हैं और उस पर काम कैसे करते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए हमारा कीवर्ड यहाँ पर सर्च हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सर्च वॉल्यूम जो है 4000
के ऊपर है, उसके बाद इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी कम है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। इसकी सीपीसी भी देखिए $6 के ऊपर है, यानी कि वन क्लिक में अगर यूएस का वन क्लिक आपको मिलता है तो $6 आपके बन जाते हैं एक क्लिक से ही, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए सजेशन में भी आपको बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर मिल जाते हैं रिलेटेड कीवर्ड, तो इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने आर्टिकल में या फिर आप अपने टैग्स में भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये ऊबर सजेस्ट काम करता है, काफ़ी अच्छा टूल है और काफ़ी एक्यूरेट। यहाँ पर देखिए फ्री टूल है तो प्रॉपर एकदम एक्यूरेट तो आपको देगा नहीं, लेकिन आपको इससे हेल्प हो जाएगी कि कौन से कीवर्ड पर आपको काम करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ऊबर सजेस्ट। तो आप चलते हैं नेक्स्ट कीवर्ड टूल की तरफ। तो नेक्स्ट कीवर्ड टूल हमारा निकल कर आता है दी हॉट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको ये जो टूल है तो इसे भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, डिटेल आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखिए ये टूल आपको देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से। इसे यूज़ करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है, आपको सिंपली ईमेल अपना डालना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर चुका है, तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। सिंपली आपको यूज़ अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है और आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स फ्री में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टूल्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इतने सारे टूल्स जो हैं वो आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमारा जो मेन गोल है वो है कीवर्ड रिसर्च, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड रिसर्च नाम का भी एक टूल मिल जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इसे मैं वो क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने कीवर्ड रिसर्च के टूल पर। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देख सकते हैं हमारे कीवर्ड रिसर्च टूल आ चुका है। यहाँ पर आपको सर्च करना है, तो हम सर्च करते हैं, यहाँ पर सेम कीवर्ड ही डालूंगा मैं, आप चाहे तो कोई भी डाल सकते हैं जो आपको आर्टिकल लिखना है। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने कीवर्ड्स आ गए, इसकी डिफ़िकल्टी आ गई, सर्च वॉल्यूम आ गई, तो सीपीसी भी आ गई, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको आ गई है। तो आप यहाँ पर जो गाइस सबसे मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर कीवर्ड डालेंगे तो ये आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड सजेस्ट करेगा, और आजकल की टाइम में लॉन्ग टेल कीवर्ड पर काम करना सबसे बेस्ट है, इसलिए आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपको इतने सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल गए जिनका यूज़ करके आप आराम से अपने वेबसाइट पर आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, वो है कीवर्ड गिग। कीवर्ड गिग तो इसका भी मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आपने SEO सुना है तो आपने ज़रूर कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन का नाम सुना होगा, तो वो अब यहाँ पर पेड एक्सटेंशन हो गई है, तो उन्हीं की ये वेबसाइट है कीवर्ड गिग। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो वो एक्सटेंशन की जो फीचर्स थे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया है, देखिए यहाँ पर भी आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कंट्री वगैरह चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए लोड हो रहे हैं हमारे कीवर्ड्स, तो इनकी भी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारे सारे कीवर्ड्स जो है वो आ चुके हैं, यहाँ पर भी आपको सर्च की यहाँ पर सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डिफ़िकल्टी वगैरह सारी चीज़ें, कॉम्पिटिशन वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, और आपको सजेशन में भी बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस टूल का भी यूज़ कर सकते हो आप, काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी ट्रस्टेड टूल है, क्योंकि कीवर्ड एवरीवेयर जो एक्सटेंशन था वो काफ़ी पॉपुलर हुआ था, तो उन्हीं की ये वेबसाइट है, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ कीवर्ड रिसर्च टूल पे, तो यहाँ पर आता है SEM रश। तो ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही जो है बेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है गाइज, ये एक्चुअली पेड सर्विस प्रोवाइडर है, यहाँ पर आपको पेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री अकाउंट क्रिएट करने का मौका मिलता है, जहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी और लॉगिन करके यहाँ पर आप 7 दिन के लिए फ्री में इसे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड एक्सेस कर सकते हो, लेकिन हमारा काम जो हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमें कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो फ्री में यहाँ पर मिल जाता है, तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड एनालिटिक्स पर आपको जाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड मैजिक टूल, तो उसे आपको क्लिक कर देना है। तो ये है हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, तो देख सकते हैं लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आ गया है, तो यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड डालना है, जो भी आप कीवर्ड पर काम करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपना वही कीवर्ड डाल देता हूँ,
और यहाँ से आप चाहिए तो कंट्री चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने इंडिया किया है और यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम आप जब करोगे तो न्यू लिस्ट क्रिएट होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर वही लिस्ट को सिलेक्ट करना है, न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं करना है क्योंकि फ्री में आप एक से ज़्यादा लिस्ट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते। तो वही लिस्ट को आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करते रहना और आपको कीवर्ड रिसर्चिंग करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपके कीवर्ड जो है वो लोड हो रहे हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए सारे कीवर्ड यहाँ पर भी लोड हो चुके हैं। यहाँ पर भी आपको सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड सजेशंस, उसके बाद कीवर्ड डिफिकल्टी, सीपीसी, सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कीवर्ड देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी वाइज भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब के लिए चाहिए तो आपको यूट्यूब पर क्लिक कर सकते हो, अगर आपको गूगल के लिए चाहिए तो आप गूगल पर क्लिक कर सकते हो। तो मुझे गूगल के लिए चाहिए क्योंकि मेरी वेबसाइट का यहाँ पर मैं कीवर्ड फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं गूगल सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर गूगल में जो रैंक हो रहा है वो सारे कीवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो इन पर आप काम कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हो तो आप यूट्यूब सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पर भी आपको कीवर्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक फ्री टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्टर के बाद ही ये टूल आप यूज़ कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ईजी है। उसके बाद यहाँ पर आता है मॉज, तो ये भी एक पॉपुलर कीवर्ड रिसर्च टूल है। कीवर्ड रिसर्च टूल क्या बोलूँ मैं आपको, यहाँ पर ये SEO टूल्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रीमियम, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर गाइज आपको जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले इसे ओपन करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर गाइज आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड का अपना डिटेल फिल करना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया हुआ है मॉड्स कीवर्ड सिस्टम मॉड प्रो। ओके तो यहाँ पर देखिए मैंने आज ही यहाँ पर अकाउंट क्रिएट किया है और आज ही मुझे 30 डेज का फ्री ट्रायल यहाँ पर मिला हुआ है। तो इसे आप 30 डेज के बाद वापस से अकाउंट क्रिएट करके 30 डेज का आप फ्री ट्रायल ले सकते हो। काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, आपको 30 डेज प्रीमियम यहाँ पर जो है SEO टूल्स का एक्सेस मिल जाता है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो, सभी एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो, सभी टूल्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कीवर्ड की, तो यहाँ पर हम कीवर्ड एक्सप्लोरर को ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आप चाहे तो कंट्री चेंज कर सकते हो, मैं वही रहने दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको देखिए सर्च वॉल्यूम दिखाई देगी, सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है इसकी, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी भी 61 के ऊपर है, तो यहाँ पर थोड़ा रैंक करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड में और आपको कुछ सजेशन भी दे रहा है, तो यहाँ पर आप सजेशन में जाकर भी देख सकते हो कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सी वेबसाइट जो है वो इन कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है और उनके बैकलिंक्स और DAPA क्या है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी टूल है और प्रीमियम टूल है, तो यहाँ का जो डेटा होता है वो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रीमियम टूल आपको देखने को मिल जाता है और आपको 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, और 30 डेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो, और काफ़ी अच्छा सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, तो मैं ये टूल भी ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो बेस्ट है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर, तो इसके बारे में तो बहुत लोगों ने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ, लेकिन आपने इसका नाम ज़रूर से सुना ही होगा अगर आप वेबसाइट बनाते हैं। तो इसे भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है और गूगल के प्रोडक्ट जो होते हैं वो काफ़ी ट्रस्टेड होते हैं, हम सब जानते हैं, और अगर आपको गूगल पे रैंक करना है तो आपको गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना ही चाहिए। तो मैं इसे हमेशा यूज़ करता हूँ, कोई भी कीवर्ड हो मैं 3-4 कीवर्ड टूल का यूज़ करके कीवर्ड को फाइंड आउट करता हूँ और उसके ऊपर आर्टिकल लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना लीजिए, इतने सारे प्रोजेक्ट मेरे बने हुए हैं, तो इसे मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, ये बिल्कुल फ्री टू यूज़ है, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर देखिए कीवर्ड आइडियाज़ पे आपको क्लिक करना है। ओके तो यहाँ पर गाइज मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टैब को ही ओपन रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले कीवर्ड टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको कीवर्ड सर्च करना है, कीवर्ड रिसर्च टूल, और आपको यहाँ से सर्च कर लेना है।
तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपकी सर्चिंग चालू हो जाएगी और ये गूगल से रिपोर्ट्स लेकर आपको देगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, गूगल सर्च इंजन की आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कीवर्ड आ रहा है और यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आ रहा है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर तीन ही क्यों आ रहे हैं, तो मैंने इन तीनों को ही एनेबल किया है क्योंकि ये तीनों ही मुझे चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखें तो एडिट पर अगर जाओगे आप तो यहाँ पर देखिए आप चाहो तो एक्स्ट्रा कॉलम्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे सीपीसी का कॉलम ऐड कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो मैंने दो ही यहाँ पर तीन ही एनेबल किए हैं क्योंकि मुझे तीन ही कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी आपको कीवर्ड रिसर्च टूल में आप पर आपको बहुत सारे अनलिमिटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे जितने कीवर्ड्स गूगल पर सर्च होते हैं और ये काफ़ी ट्रस्टेड है, आप इसका भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो डिटेल में आप यहाँ पर चाहिए तो पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर सेवन्थ जो हमारा कीवर्ड टूल निकल कर आता है वो है keyword.io। तो ये गाइज एक टूल ऐसा है जहाँ पर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या फिर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अपना लॉगिन ईमेल डालिए और पासवर्ड डालिए, बस हो गया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर स्पेशलिटी क्या है गाइज, यहाँ पर देखिए आप गूगल, यूट्यूब, अमेजोन, यहाँ पर इतने सारे चीज़ें हैं, इंडेक्स है। तो यहाँ पर जो चीज़ के लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है वो सिलेक्ट करके आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम की वेबसाइट बनाए हैं तो आप अमेजोन के लिए यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कीवर्ड, उसके बाद गूगल के लिए यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। तो हम गूगल सिलेक्ट करेंगे और अपना कीवर्ड डालेंगे और किस तरह से आपको यहाँ पर भी कीवर्ड दिखाई देते हैं वो बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, आप चाहें तो कंट्री को भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमारा कीवर्ड जो है वो सर्च हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है आपको सर्च वॉल्यूम नहीं दिखेगा, कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिनका आप यूज़ करके अपने आर्टिकल को रैंक करवा सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे गाइज, तो इसमें से जो आपको कीवर्ड अच्छा लगता है उसे आप अलग से कोई किसी कीवर्ड रिसर्च टूल में डालकर उसकी कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी वगैरह कंपटीशन वगैरह चेक कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए 274 रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पर इन कीवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो इसे सिलेक्ट कर लो पूरा का पूरा। सिलेक्ट करने के बाद आपको देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का, तो आप चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हो इस फाइल को। तो इसके अंदर आपके सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है, यहाँ पर भी आप बहुत सारे कीवर्ड्स जो है वो फाइंड कर सकते हो और उन पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट जो कीवर्ड टूल निकल कर आता है वो है गूगल सर्च गाइस। गूगल सर्च तो ये काफ़ी पॉपुलर है और बहुत लोग बोलेंगे कि भाई गूगल सर्च कैसा हुआ कीवर्ड रिसर्च टूल, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हुआ वो गूगल हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल। तो सबसे पॉपुलर जो है और सबसे बेस्ट जो है वो मुझे ये लगता है, क्योंकि ये आपको कभी गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च टूल में क्या होता है। तो गाइस कीवर्ड रिसर्च टूल में हमें मिलते हैं कॉम्पिटिशन पता चलता है, ओके। उसके बाद कीवर्ड की हमें सजेशंस मिलते हैं कीवर्ड के लिए, उसके बाद सर्च वॉल्यूम चाहिए होता है हमें और सीपीसी चाहिए होता है, राइट। तो ये चारों चीज़ें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, वो कैसे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें कीवर्ड सजेशंस चाहिए, तो कीवर्ड सजेशंस के लिए आपको क्या करना है, कीवर्ड आपका लिखना है कीवर्ड्स टूल, ये हमने कीवर्ड डाला और आपको देखिए कीवर्ड सजेशंस के लिए यहाँ पर बहुत सारे सजेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। वेट, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर नीचे दिखा दूँ आपको ठीक से, ये देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं ये कीवर्ड के सजेशन से। तो इन कीवर्ड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये रिलेटेड ये लोगों ने सर्च किए हुए हैं, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। अब बात करते हैं कंपटीशन की, तो कंपटीशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर कोलन डाल देना है, तो इस तरह से, और यहाँ पर भी एंड में भी जो भी इन्हें बोलते हैं वो आप डाल दीजिए और एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे आपको पता चल जाएगा इस कीवर्ड पे कितने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप इतने रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। और ध्यान रखिए ये आपको डेस्कटॉप मोड पे ही करना है तभी ये काम करेगा, देख सकते हैं इतने की रिजल्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड पे कितनी आपको कंपटीशन देखने को मिलती है। अब 100,000 के नीचे रहेगा तो आप उस पर काम करना चाहिए आपको, अगर 100,000 के ऊपर है तो यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा है, 900,000 के ऊपर है, तो इस पर काम तो नहीं करना चाहिए आपको।
तो थोड़ा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करना चाहिए। तो इससे आपको मिल गया कंपटीशन, सजेशन मिल गया हमें। अब कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, सर्च वॉल्यूम क्या है वो चेक करने के लिए आपको मैंने यहाँ पर देखे इतने सारे कीवर्ड रिसर्च टूल बताए हैं। तो ये कीवर्ड आप कहीं पर भी डाल के चेक कर लीजिए, कीवर्ड उसकी डेंसिटी क्या है वगैरह वगैरह, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है गूगल रिसर्च। तो यहाँ पर गूगल पे भी आप कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे कुछ कीवर्ड रिसर्च टूल जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, वो भी अपने एंड्रॉयड फ़ोन की हेल्प से, और अपने वेबसाइट को की ट्रैफिक को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो अगर आपको चाहिए कि कीवर्ड रिसर्च टूल को, इन कीवर्ड रिसर्च टूल को यूज़ करके हम कैसे कीवर्ड रिसर्चिंग करें और कैसे लो कंपटीशन कीवर्ड को फाइंड करके अपने वेबसाइट को पर आर्टिकल लिखे और कैसे उन्हें रैंक करवाए, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे हम कीवर्ड रिसर्च को फाइंड करते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं और कैसे उसे SEO वगैरह हम करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको ये आर्टिकल पसंद आता है तो आप एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पर शेयरिंग बटन से एक बार ज़रूर शेयर कर देना इस आर्टिकल को। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है महेश टेक्निकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।